Hello everyone, you are welcome back to channel, and today's topic is how to prepare for LT English exam. ये आप लोगों ने मुझे पूछा था कि जब हम LT English की तैयारी करें तो कैसे तैयारी करें. इसके दो पार्ट हैं आप लोगों के, एक तो है आपका English literature और दूसरा पार्ट आप लोगों का आता है aptitude वाला. ठीक है, aptitude पार्ट और या pedagogy पार्ट आप इसे कहें, तो इन दोनों पार्ट की तैयारी आप लोगों को करनी है. अब इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम बात करें तो इसमें काफी ब्रॉड सिलेबस आ जाता है. थर्ड आपका ट्वेल्थ के भी जो सीबीएसई है वो भी आपके सिलेबस में है, तो आप लोग इसे सिंपली तैयार कर सकते हैं. और इन तीनों पार्ट को आप लोगों को कैसे तैयार करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ. सबसे पहले आप आ जाइए इंग्लिश लिटरेचर वाले पार्ट में. इसमें सबसे पहली चीज जो है वो है आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए. और इसे आप देखिए, जब भी आप LT, TGT, PGT लेवल की बात करते हैं तो वहां आप लोगों को ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चन फैक्ट वाइज ही आते हैं. मीन्स आपको फैक्ट्स पर फोकस करना है, ना कि बहुत डिटेल में इन चीजों को जानने की कोशिश करनी है. अगर आपके पास काफी टाइम होता है तो आप उसमें तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जितनी ज्यादा फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स आप लोगों को लर्न होंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे जिससे कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे. अब इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपकी हो गई. इसी के साथ में आप लोगों को क्या करना है कि जितने टर्म्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में, एटलीस्ट 500 टर्म्स आप लोगों को क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, जो कि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड हैं. तीसरी चीज आती है, अब आप लोगों को अपने लिए कम से कम 50 राइटर्स का एक सीरीज बना लेनी चाहिए. और 50 राइटर्स को आपको किस तरह से लर्न करना है, एक सिंगल राइटर को लीजिए और उसके कम से कम आपको 10 वर्क्स स्टडी करने हैं. ठीक है, और इसके बाद अगर हम आगे बात करें कि फोर्थ आपका टॉपिक क्या होना चाहिए, तो वो है आप लोगों का MCQs. इसके अलावा आप लोगों को लिस्ट प्रिपेयर करनी है, जो कि जिसमें कि आप लोगों के अवार्ड्स आ जाते हैं, जैसे नोबेल प्राइज हो गया. ठीक है, नोबेल प्राइज हो गया, कुछ और अवार्ड्स हैं वो हो गए, और कुछ जैसे सबटाइटल्स हो गए. ठीक है, इस तरह की इंग्लिश में क्या होती हैं, काफ़ी सारी लिस्ट्स हैं, उन्हें आप लोगों को तैयार करना है. और कम से कम ये जो लिस्ट होंगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे जो कोर्स में हमने दी थी वो आप लोगों को हम प्रोवाइड करा रहे हैं, 32-35 लिस्ट हैं. ठीक है, तो अगर आप इनको कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके इनसे 10 मार्क्स के समथिंग जो आएंगे उन्हें आप इजीली कर पाएंगे. MCQ आपको दो तरह से करने हैं. फर्स्ट जो करना है आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से करने हैं, मीन्स एज वाइज आप लोगों को MCQ करने हैं. सेकंड जो है वो करना है आप लोगों को राइटर वाइज आप लोगों को MCQs करने हैं. तो इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो आप श्योर हो सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर पार्ट में आप अच्छा स्कोर कर लेंगे. अब आ जाते हैं एप्टीट्यूड पार्ट में. तो एप्टीट्यूड पार्ट में कुछ टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि जितना आपका बीएड का जो सिलेबस था ना, उससे काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के पिछले LT एग्जाम्स में पूछे गए हैं. तो आपको अपना बीएड का जो सिलेबस था पेडागॉजी वाला, साइकोलॉजी वाला, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. उसके साथ अगर आप NCERT 2005 को पढ़ लें तो उसमें जितने टर्म्स आप लोगों के हैं वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए. और वो लगभग जो टर्म्स हैं वो आपके 50+ टर्म्स हैं, बहुत ज्यादा टर्म्स नहीं है, वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. तीसरी चीज, यहाँ पे आप लोगों का बीएड के सिलेबस में ही जितने आप लोगों के साइकोलॉजिस्ट हो गए, ठीक है, वो हो गए, या आप लोगों के टेस्ट हो गए हैं उनसे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, टेस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, ये आप लोगों को करना है, या मेथड ऑफ टीचिंग हो गए. ठीक है, मेथड्स आप लोगों को लर्न करने, इतने आप लोगों को लर्न कर लीजिए. इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, NEP 2020. ये इससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आने वाले LT में, क्योंकि पिछली बार जो है वो NCERT बेस्ड आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे. तो अब जो है, क्योंकि NEP कुछ चेंज्ड है, इससे 2005 वाले से काफी चेंज है, तो आप NEP 2020 को पढ़ के
जरूर जाइए, उससे रिलेटेड चीजों को कंप्लीट पढ़ के जाइए। इतना अगर आप लोगों का हो जाता है, अब आ जाते हैं कि ट्वेल्थ जो सीबीएसई का है उसमें आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के जितनी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को टोटल जो थे कैरेक्टर्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाए थे, कैरेक्टर्स हर चैप्टर के, और साथ ही साथ सभी चैप्टर के आप लोगों को समरी भी प्रोवाइड करवाई थी। तो आप लोग अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या अपने नोट्स खुद से बना रहे हैं तो उसमें आप लोग इसे जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि इसमें इससे अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत चीजें होंगी। इसमें एक चीज और भूल गया मैं जो कि ऐड करना था, वो था आपका ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आप लोग ग्रामर सेक्शन में जैसे स्टडी करते हैं, जनरल स्टडी कर रहे हैं, तो आपको वो वाला लेवल नहीं रखना है, आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव लेवल वाले ही क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, ठीक है। जैसे आपका क्लॉजेज हो गया, क्लॉजेज को जरूर क्लियर करके जाइए, प्रेपोजिशंस, फिक्स प्रेपोजिशंस जो होते हैं उनको आपको कर लेना है। अब आती है वोकैब वाली बात कि जो वोकैब है उसे हम कैसे करें। वोकैब के लिए कोई मतलब बहुत जल्दी हम वोकैब को अपना डेवलप नहीं कर सकते, ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन फिर भी हार मानने वाली बात नहीं है। आप अगर डेली के 50 वर्ड्स कर लीजिए, 50 वर्ड्स को आप लोगों को लिखना है जो कि आपने आज से पहले नहीं पढ़े होंगे। अब कई लोग कहेंगे कि 50 वर्ड्स तो एक दिन में याद नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक दिन में आप उन्हें याद तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें कोरिलेट जरूर कर सकते हैं। कोरिलेट करके रखेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी आपको, मीन्स वहां पर जब आप ऑप्शन चूज कर रहे होंगे तो आप लोगों को इजीली वो चीजें दिमाग में आ जाएंगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, तो ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है। अगर 3 महीने भी करेंगे तो अच्छी वोकैबुलरी हो सकती है, लेकिन वोकैब में आप चाहे 50 करें या 10 वर्ड्स करें, लेकिन एक कंटिन्यूटी बना के रखिए, इसे आप कॉन्टिन्यूस कीजिए, ठीक है। अब देखिए, आपने एक दिन तो 50 किए, दूसरे दिन 0 कर दिए, ठीक है, तीसरे दिन 10 ही किए, पांचवें दिन फिर 0 हो गए, इस तरह से आपको सीक्वेंस नहीं रखना है। 10 का सीक्वेंस रखिए, तब भी आपके क्या होंगे 30 × 10 जो होगा वो आपके 300 वर्ड्स क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे एक महीने में। और इसी तरह से लगभग 1000 वर्ड्स अगर हो जाते हैं तो 1000 वर्ड्स से आप लोग कोरिलेशन लगा के आप अपने एमसीक्यूज करेक्ट कर सकते हैं, काफी हेल्प मिलेगी। तो ये आप लोगों का एक पूरा जो सिलेबस का पैटर्न है, इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। और अगर आप हमारे कोर्स के साथ में जाना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो आप हमारा जो नंबर है 7409287156, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सारा जो फॉर्मेट मैंने अभी आपको बताया, इसी फॉर्मेट में हमने जो अपना कोर्स है उसे डेवलप किया है, और आप लोगों को कॉन्टिन्यूस इसमें सपोर्ट भी मिलता है, जहां पर आप लोगों की जरूरत है वहां पे आप लोगों को वीडियोस भी मिलती हैं, और आप अपनी क्वेरी उस हिसाब से व्हाट्सएप पर बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो होपफुली ये आप लोगों को हेल्प करेगा आपकी सेल्फ स्टडी में। अगर आप सेल्फ स्टडी से अगर नोट्स बना रहे हैं, खुद से नोट्स बना रहे हैं, तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखें और इसी तरह से अपने नोट्स बनाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।